महादेव अपने ध्यान में कितने दिव्य प्रतीत हो रहे हैं। वो देखिए गणेश, वहां ऊपर वही है गोलोक जहां दिव्य स्वर्णिम प्रकाश दिखाई दे रहा है। मूषक जी, हमें इन दिव्य मेघों के पार जाने के लिए और ऊंचाई पर जाना होगा। अद्भुत है ये विशालता। कितना अद्भुत, कितना भव्य है ये दृश्य। हाँ प्रभु, आश्चर्य, गोलोक का द्वार तो इन दिव्य मेघों से निर्मित है। यहाँ तो जैसे ब्रह्मांड की सारी सुंदरता और दिव्यता समाहित है। स्वामी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ भवन के भीतर चलिए। ऐसा क्या है पार्वती जो तुम उसे दिखाने के लिए इतनी प्रसन्न हो रही हो? स्वामी, वो तो आपको तभी ज्ञात होगा जब आप मेरे साथ चलेंगे। बताओ पार्वती, ऐसा क्या दिखाना चाहती हो तुम? बताती हूँ प्रभु, आप विराजिए। पार्वती, अब तो मेरी उत्सुकता और जाग उठी है। ऐसा क्या दिखाना चाहती हो तुम? ऐसे नहीं स्वामी, आपको अपने नेत्र बंद करने होंगे। उमा, बस अब और प्रश्न नहीं स्वामी, मैं आपको चकित करना चाहती। किंतु उमा। किंतु परंतु नहीं प्रभु, अपने नेत्र बंद कीजिए। क्या हो गया?
ये उचित नहीं हुआ। स्वामी, ये कैसा अंधकार है जिसने ब्रह्मलोक का प्रकाश ही हर लिया है? देवी, समस्त संसार को प्रकाशित करने वाली ऊर्जा महादेव के नेत्रों से प्रवाहित होती है, इसलिए ये अंधकार हट पूर्वक महादेव के नेत्रों को बंद कर उनकी दिव्य ऊर्जा को रोकने का परिणाम है। ये अकस्मात क्या हुआ? अचानक अंधकार कैसे छा गया यहाँ पे? अनर्थकारी अंधकार, अंधकार ने तो इस भयावह अंधकार में मेघ का रूप ले लिया है जो हमारी ओर ही बढ़ रहा है। महेश्वरी, ये तुमने क्या कर दिया? प्रकाश पुनः लौट आया, किंतु कैसी विचित्र घटना थी ये? पल भर में उत्पन्न हो नष्ट हो जाने वाले इस रहस्यमय अंधकार का मेरी चिंता से तो कोई संबंध नहीं, किंतु इस समय मुझे प्रभु को लेकर आगे बढ़ना है। चलिए प्रभु। पहुँचे राम संग गणेशा, अचरज से देखे दिव्य आभा विशेषा, दृश्य मनोहारी आभास अनमोला, झूल रहे परम राधे कृष्ण हिंडोला। पिता ईश्वर के सम्मुख गजानन, कृष्ण दरस किए सुमुख चक्षु स्व आनन, दिखलाए गणपति को दृश्य अनुपा, दर्शन किए शंकर उमा स्वरूपा। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। स्वागत है गणेश। धन्यवाद माता, मैं प्रभु परम श्री कृष्ण और माता परम राधा का सानिध्य पाकर धन्य हुआ। क्या हुआ गणेश, कोई जिज्ञासा है तुम्हारी?
जिसे तुम शांत करना चाहते हो। हाँ प्रभु, हमारे यहाँ पहुँचने के पूर्व जो अंधकार यहाँ सर्वत्र छा गया था, उसका क्या कारण था? अंधकार के गर्भ में ही प्रकाश छुपा होता है, अर्थात अंधकार का उत्पन्न होना उसी प्रकाश की आहट है, जिसके विस्तार के लिए इस अंधकार से एक नवीन लीला का प्रारंभ हुआ है। कौन है ये शिशु? कैसे उत्पन्न हुआ है और इसका रुदन मुझे इतना चिंतित क्यों कर रहा है? उचित है प्रभु, तो मुझे ये भी बताइए कि माँ मुझे आपकी महिमा से परिचित कराती है, तो वो सदा ये कहती है कि मैं आपके ही समान हूँ। किंतु दिव्यता और प्रभुता में आपके समान कैसे हो सकता हूँ मैं? सत्य ही तो कहती है तुम्हारी माँ। ध्यान से देखो, तुम और मैं वास्तविकता में समान ही तो हैं। जिस प्रकार तुम्हारे मुकुट पर मयूर पंख स्थित है, उसी प्रकार मेरे मुकुट पर भी तो है, तो हुई ना समानता। और तुम्हारे बालपन की लीलाएं तो मेरे स्वामी के उन लीलाओं के समान है जो वो प्रत्येक कल्प में गोकुल के कृष्णा रूप धारण कर अवतार लेते हैं। गणेश, अच्छा हुआ तुम परशुराम जी को साथ ले आए। प्रभु, माता, मैं आपके दिव्य दर्शन कर अपने क्रोध से मुक्ति पाने आया। परशुराम जी, आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण पाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। प्रभु, उसका श्रेय तो माता पार्वती नंदन दिनेश को जाता है। यदि बालक गणेश से मेरी भिड़ंत नहीं होती और मेरे द्वारा उनका दान नहीं टूटता, तो मुझे कभी अपनी भूल का भान नहीं होता। किंतु जो हुआ उसके पश्चात अब उस भूल के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे नेत्र बंद करने से जो अंधकार उत्पन्न हुआ, उसी से इसका जन्म हुआ है। इसका जन्म जैसे भी हुआ है, किंतु है तो ये एक शिशु ही ना। उमा, उमा, उमा। अंधकार से जन्मा ये शिशु मेरे सभी गुणों के विपरीत है। इसके नेत्रों की दृष्टि जिस पर पड़ेगी, वो अंधकार में डूब जाएगा। किंतु नाथ, हमें इसकी देखभाल का कोई उपाय तो करना ही होगा। हिरण्याक्ष, उमा, कई वर्षों से हिरण्याक्ष पुत्र की कामना के लिए मेरी तपस्या कर रहा है। अब उन्हें उनकी तपस्या का फल देने का समय आ गया है। स्वामी, ये शिशु तो अंधकार उत्पन्न करता है, फिर हिरण्याक्ष इसका पालन पोषण कैसे करेंगे?
इस शिशु के पालन पोषण का अधिकार उसी को मिलना चाहिए जो लंबे समय से पुत्र कामना में मेरी तपस्या कर रहा है। शिशु का जन्म अवश्य हुआ किंतु हिरणाक्ष इसे सुसंस्कारों से परिचित कराएंगे। परम सुख की प्राप्ति मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया माता, मैं धन्य हो गया। तमसो मा ज्योतिर्गमया अर्थात मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। ये प्रार्थना जो करते हैं उन्हें ज्ञात होता है कि वो अज्ञानता रूपी अंधकार में घिरे हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए भगवान उनको रास्ता दिखाते हैं। परंतु जो जन्म से ही अंधकार से परिचित है और अंधकार को ही सर्वत्र मानता है, उसे तो स्वयं भगवान भी अंधकार से नहीं निकाल सकते हैं। अंधकार था जिसका मुझे पूर्वाभास हुआ, मुझे शीघ्र अति शीघ्र यह जानना होगा। इस शिशु के पालन पोषण का अधिकार उसी को मिलना चाहिए जो लंबे समय से पुत्र कामना में मेरी तपस्या कर रहा है। हिरण्याक्ष, इस शिशु का जन्म भले ही एक भूल से हुआ किंतु हिरण्याक्ष जैसे एक असुर को इसके पालन पोषण का अधिकार देना वो तो और भी बड़ी भूल होगी। भूल तो हो चुकी है पार्वती, जो तुमने किया वो अनुचित था, अब उसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। अंधक? हाँ, क्योंकि इसका जन्म अंधकार से हुआ है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इसे उचित संस्कार दोगे और ये एक उत्तम पुत्र प्रमाणित होगा। किंतु सदैव स्मरण रखना, मेरे अंधकार से जन्मा है अंधक। इसके भीतर के अंधकार को रोकने के लिए इसके नेत्रों पर बना ये वस्त्र कभी हटने मत देना। प्रभु, आपसे पुत्र रूपी वरदान पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस बालक को उचित संस्कार दूंगा। धन्यवाद प्रभु। आपने मुझ पर कृपा कर मुझे अपने भव्य दर्शन दिए, मेरे समस्त कष्टों को हरा। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अपना आशीष प्रदान कर मुझे प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए प्रभु। ऋषि कश्यप को दिए मुझे अपने वचन को अब पूर्ण करना है। गणेश, मैं आपका आभारी हूँ। परम कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन करवा के आपने मुझे कृपा किया।
प्रभु परशुराम जी, ये तो पिताश्री और माँ की आज्ञा थी, किंतु मुझे भी तो दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए उपकार तो आपका भी है मुझ पर। मेरा मन कुछ अधिक ही विचलित हो रहा है, मुझे शीघ्रता कर माँ के पास कैलाश लौटना होगा। क्या कर दिया? आज मेरे साथ अपूर्ण बेल पत्र एकत्रित कर बैठी, पूजा के पुष्प शिवलिंग के स्थान पर धरती पर गिरा दिए मैंने, कमंडल के जल से रिक्त छोड़ दिया मैंने। अवश्य इसका कारण मेरी भूल है स्वामी, आप ही उपाय सुझाइए, अपनी भूल कैसे सुधारूं मैं। राश्चित, राश्चित, राश्चित। राश्चित ही करना होगा मुझे, मेरा मार्गदर्शन कीजिए नाथ, बताइए मुझे इस राश्चित पर कैसे करूं, सभी कष्ट सहूंगी मैं, बताइए स्वामी क्या करना होगा मुझे। उमा, तुम्हें कैलाश का त्याग करना होगा, 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 तुम्हें कैलाश का त्याग करना होगा।
मेरे खुले नेत्र बंद कर संसार में अंधकार का संचार कर तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। किंतु स्वामी, वो तो केवल एक भूल थी। मैंने ऐसा किसी अनिष्ट की इच्छा से नहीं किया था स्वामी। जगत पिता और जगत जननी के नाते एक छोटी सी भूल भी बहुत बड़ी बन जाती है। तुम्हारी एक छोटी सी भूल का भयानक परिणाम है अंधक का जन्म। स्वामी, इस भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए मुझे। मुझे आपसे और पुत्र गणेश से भी दूर मत कीजिए स्वामी। ये माँ पहले से ही अपने पुत्र कार्तिकेय का वियोग सह रही है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, यही सत्य है। सृष्टि को भावी दुखों से बचाने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर प्राश्चित करना होगा। तुम्हें कैलाश छोड़कर जाना होगा। तुम्हें कैलाश छोड़कर और पुत्र गणेश को छोड़कर जाना होगा। शिव की शक्ति हो तुम उमा, तुमसे दूर होना तो मेरे लिए भी कष्टदायक होगा, किंतु यही अनिवार्य है। कठिनाई में पड़े अपने भक्तों की सहायता करते हैं आप, तो क्या इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे प्रभु? नहीं उमा, इस समस्या का एक ही समाधान है, तुम्हारा प्राश्चित। अब तुम्हें जाना ही होगा। आपके आदेश का पालन करेगी आपकी पार्वती स्वामी, उसके लिए हृदय पर आघात लेकर आपसे दूर जाना होगा, तो जाऊंगी मैं। तुमसे दूर तो मैं भी नहीं रह सकता उमा, किंतु क्या करूं, ये भगवान की विवशता है। व्यर्थ है मेरी आशा, मुझे ज्ञात है कभी नहीं रोकेंगे आप मुझे। आपके लिए तो आपका कर्तव्य ही सर्वोपरि है ना, आपकी पार्वती से भी ऊपर है आपका कर्तव्य।
तक एक दूजे के शंकर और उमा। किंतु विधि में लिखा है बिछोहा, कैलाश से निकली गौरी अरण्या, शंभो को छोड़ चली शक्ति जगजन्या। खुले नेत्र बंद कर संसार में अंधकार का संचार कर, तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई। सृष्टि को भावी दुखों से बचाने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर प्रायश्चित करना होगा। स्वामी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ भवन के भीतर चलिए।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताश्री, मैं लौट आया। आप कहाँ हैं माँ? कहाँ हैं आप? पिताश्री, माँ क्यों नहीं दिखाई दे रही है? कहाँ है वो? बताइए मुझे, कहाँ है माँ? माँ कहाँ है, बताइए ना पिताश्री। माँ, पुत्र, क्या मेरे पुत्र ने मुझे बताया? मैं पुनः रुककर अपने स्वामी के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती। पिताश्री कुछ बता नहीं रहे, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं? भूल तो हुई है आप दोनों से, किंतु माँ को दूर भेजने की भूल तो आपसे हुई है पिताश्री। पुत्र, पिताश्री, भूल अवश्य हुई है माँ से, किंतु अनजाने में हुई है। वो तो बस क्रीड़ा कर रही थी, क्या उन्हें इतना भी अधिकार नहीं? जगत पिता और माता हैं तो क्या, हम भी अधिकारों की सीमाओं से बंधे हैं। उनके क्षणिक परिहास का भीषण परिणाम हुआ है अंधक का जन्म। महेश्वरी को जगत जननी होने के अपने दायित्व के प्रति और सजग रहने की आवश्यकता थी। पिताश्री, वो तो मात्र आपको एक उपहार देना चाहती थी, वो किसी दायित्व के विरुद्ध कैसे है? उनका कृत्य एक बहुत बड़ी भूल का कारण है। हमारे लिए जीवन में छोटी सी भूल का भी कोई स्थान नहीं है। ये सत्य है पिताश्री, किंतु क्या ये भी सत्य नहीं कि जब आपसे कोई भूल हुई है तो माँ ने सदैव आपको क्षमा किया है? माँ ने तो कभी आपको प्रायश्चित करने अपने से दूर नहीं भेजा। तो तुम मुझे मेरी भूल का स्मरण कराने वाले हो? नहीं पिताश्री, मैं तो बस उचित अनुचित, सत्य असत्य का भेद जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ। क्या ये सत्य नहीं कि त्रिपुरासुर की सहायता कर आपसे एक बहुत बड़ी भूल हुई थी? मैंने उनकी सहायता अवश्य की थी, किंतु उनका वध भी मेरे ही हाथों हुआ था। किंतु एक लंबे समय तक उनकी रक्षा करने के बाद, वो भूल नहीं थी क्या? और क्या ये भी सत्य नहीं कि आपको ज्ञात था गजासुर आपके वरदान का दुरुपयोग ही करेगा, तब भी आपने उसे वरदान दिया और उसने आपको ही अपने उदर में रखकर संसार के लिए एक महासंकट उत्पन्न कर दिया। गणेश, 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 वो मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म था। त्रिपुरासुर और गजासुर दोनों ने ही कठोर तप कर मुझे प्रसन्न किया था। अच्छे कर्मों का पुरस्कार और बुरे कर्मों का दंड, यही सृष्टि का नियम है। माँ ने किसी का बुरा कहाँ किया पिताश्री? उनसे जो भी भूल हुई वो तो आपके प्रति उनके स्नेह का परिणाम थी, और आपने उन्हें दंडित कर दूर भेज दिया। अपने भक्तों पर सदा कृपा करने वाले भोलेनाथ हैं आप। भक्त अच्छा हो या बुरा, उसे कभी निराश नहीं करते। तो आपने माँ को क्यों निराश किया पिताश्री? सदा कर्तव्य को तुमसे ऊपर रखकर मैंने बार बार तुम्हें निराश किया है उमा। क्षमा करें पिताश्री, ये सब कहकर आपको दुख पहुंचाने का आशय नहीं था मेरा। कुछ भी अनुचित करने के बाद क्षमा मांगना बहुत सरल होता है गणेश, किंतु उसे भूल का परिणाम तो दूर नहीं होता। मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ से भूल हुई है तो उन्हें प्रायश्चित तो करना ही होगा। क्या उचित है और क्या अनुचित, ये तो व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।
सूर्य देव के उगने से जहाँ दिवस का प्रारंभ होता है, वहीं उनके तेज से रात्रि में जन्मे अनेकों कीट भी नष्ट होते हैं। इसलिए पिताश्री, यदि सूर्य देव का उगना कुछ जीवों के लिए उचित है तो कुछ के लिए अनुचित भी है। गणेश, गणेश, गणेश। क्या ये सत्य नहीं पिताश्री कि वास्तव में आप मुझसे नहीं स्वयं अपने क्रोध से क्रोधित हैं? मैं जानता हूँ ये सत्य है। आप माँ को दूर भेजने पर विवश अवश्य हुए, किंतु आपके इस निर्णय के कारण आप स्वयं से ही कुपित हैं, क्योंकि माँ के बिना आप भीतर ही भीतर टूट रहे हैं। नियति ने कैसा ये खेल है खेला, जननी के जीवन में दुख की ये बेला। दूर रह कर भी शिव शंकर के पास छोड़ी नहीं है माता गौरी ने आस। किंतु माता कर रही भोले का ध्यान, शिवलिंग को जल से कराया स्नान। धन्य है माता धन्य है शंकर भोले, दोनों एक दूजे का प्रेम नहीं भूले। पिताश्री, मुझे ज्ञात है आप माँ की वियोग की अग्नि में जल रहे हैं। किंतु मैं विवश हूं पुत्र, मैं तुम्हारी माँ के बिना नहीं रह सकता। किंतु मैं अपना प्राश्चित पूर्ण किए बिना यहाँ वापस नहीं लौट सकती। उचित है, फिर तो कोई उपाय ही शेष नहीं है पिताश्री। यदि मूषक जी तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं तो तुम उनके पास जाकर अपनी इच्छा व्यक्त क्यों नहीं करते? अवश्य पिताश्री, मैं भी तो यही बताने का प्रयास कर रहा था पिताश्री कि यदि माँ यहाँ नहीं रह सकती तो हम तो उनके पास जाकर रह सकते हैं। श्री, संतान का संसार तो माता पिता के संयोग से पूर्ण होता है। आप दोनों का वियोग मेरे संसार को अधूरा कर देगा पिताश्री। पुत्र,
तुम्हारी माँ के बिना तो मेरा संसार भी शून्य है। मेरा कैलाश तो वही है जहाँ उमा है, किंतु जो हुआ क्या उसके बाद तुम्हारी माँ मुझे अपने साथ रहने की अनुमति देगी? ये तो उनसे पूछने पर ही ज्ञात होगा। आप अनुमति दे तो मैं जाकर आपका संदेश उन तक पहुँचाता हूँ। ठहरो गणेश, किंतु मैं दुखी हूँ, ये बात उमा से मत कहना, अन्यथा वो और भी दुखी हो जाएंगी। और मेरे वहाँ आने की बात पूछते समय अवश्य इस बात का ध्यान रखना कि आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, माँ की ममता अपने पुत्र को निराश नहीं कर सकती। क्षमा करें प्रभु, आपने बुलाया किंतु मैं समय पर नहीं आ सका। धन्यवाद मूषक जी कि आप समय पर नहीं पहुँचे। यदि आ जाते तो मैं कदाचित पिताश्री को ये बात समझाने में सफल ही नहीं होता कि वे स्वयं भी जाकर माँ से भेंट तो कर ही सकते हैं। चलिए अब यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। न जाने कितना दुखी होगा गणेश जब उसे ज्ञात होगा कि उसकी माँ कैलाश से दूर जा चुकी है। प्रस्थान करते समय मैं अपने पुत्र से भी नहीं मिल सकी। भोजन का भी समय हो गया है, स्वामी ने भोजन किया होगा कि नहीं? और गणेश ने, उसे तो भोजन अत्यंत प्रिय है। मेरे पुत्र गणेश को बहला लीजिएगा नाथ, यदि वो मेरे बिना भोजन अस्वीकार करे तो उस पर क्रोध मत कीजिएगा। अब तो आप ही उसके साथ हैं, इसीलिए आपको धैर्य रखकर ये निश्चित करना होगा कि वो भोजन समय पर कर रहा है। परिवार से, आपसे और अपने पुत्र गणेश से दूर रहना पड़ेगा। मैं आपसे दूर कैसे रहूंगी स्वामी? माँ, माँ, पुत्र, माँ, पुत्र, नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है। गणेश यहाँ कैसे आ सकता? पुत्र गणेश का स्वर तो यही कहीं से आ रहा है। नहीं नहीं, गणेश यहाँ कैसे हो सकता? अवश्य ये मेरे मन का भ्रम ही है। विनायक पुत्र का अर्थ बताने आया, विघ्न के बादल माँ के मन से मिटाने आया। आज्ञाकारी माता का बस माँ को जाने, माता की आज्ञा को मैं सर्वोपरि माने। जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको। मैं आ गया माँ। मुझे क्षमा करना पुत्र, मुझे तुमसे भेंट करे बिना ही यहाँ आना पड़ा। माँ किंतु अब तो मैं ही आ गया हूँ आपके पास, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु पुत्र, तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हारे पिताश्री को ज्ञात है कि तुम यहाँ? माँ मैं अकेले कहाँ आया हूँ? कौन आया है तुम्हारे साथ? माँ पिताश्री का विचार कर प्रसन्न हो रही हैं, अर्थात वो उनको यहाँ आने से मना नहीं करेंगी। माँ मेरे साथ नंदी जी, तोतला जी, श्रृंगी जी और कौन पुत्र? और अन्य गण भी आए हैं।
अकेला छोड़कर तुम यहाँ क्यों चले आए? नंदी जी, माँ आप यहाँ तब के लिए आई हैं, अकेले कैसे संभाल लेंगी सब कुछ? नंदी जी और अन्य गण आपकी कुटिया का निर्माण कर आपके निवास का प्रबंध कर देंगे। उचित। आपको यहाँ के अपने प्रवास में कोई कष्ट ना हो, हम उसकी व्यवस्था करना चाहते हैं माँ, और इसीलिए आप यहाँ बैठ जाइए और हमें करने दीजिए हमारा कार्य। उचित। चलिए नंदी जी, हम अपना कार्य शुरू करें। मुझे लगा कि आप आए हैं प्रभु, फिर अपनी इस भूल का भी आभास हो गया, क्योंकि आपके लिए तो कर्तव्य से ऊपर कुछ नहीं। गणेश के वहां पहुंचते ही पार्वती को अब तक मेरा संदेशा मिल गया। पुत्र, अपनी माँ का संदेशा लेकर शीघ्र कैलाश लौटना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी माँ की बिना एकाकी नहीं रह सकता। पुत्र, एक दंत देवा निकट चले आए देखो करने को सेवा। नंदी और गण के संग कुटिया बनाए, अनुराग आदर से उसको सजाए। जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। माँ देखिए, आगे चलिए ना। सुंदर पुत्र गणेश, नंदी, तोतला गण, आप सभी ने तो अत्यंत सुंदर कुटिया का निर्माण किया है। आइए माँ। माँ वो देखिए बैठने का स्थान। कैलाश में स्वामी के ध्यान स्थल के समान है ये। सभी कुछ अत्यंत सुंदर है, किंतु मेरे एकाकी के लिए ये कुटिया अत्यंत विशाल है। और ये ध्यान स्थल पिताश्री के लिए सर्वथा उचित है ना? पिताश्री के लिए? हाँ माँ, मैं आपके लिए पिताश्री का संदेश लेकर आया हूँ।
महादेव का संदेश? आपसे विलग तो वो भी नहीं रह सकते माँ। पिताश्री ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या पुत्र? यही माँ, कि क्या वो भी यहाँ आपके साथ रह सकते हैं? माँ बताइए ना, पिताश्री आ सकते हैं यहाँ? विश्वास नहीं होता, महादेव यहाँ अपनी उमा के पास आना चाहते हैं। अपना कैलाश अपने समस्त दायित्व छोड़कर, तुम सत्य कह रहे हो पुत्र? हाँ माँ, यही सत्य है। आज प्रथम बार मुझे एक दायित्व में बंधे भगवान का नहीं, मेरे स्वामी का संदेश प्राप्त हुआ है। उनके यहाँ आने पर तो मैं धन्य हो जाऊंगी। मेरे भीतर प्रसन्नता उमड़ रही है। मुझे लगा था कि मुझे वर्षों तक उनसे बिछड़ कर रहना होगा। किंतु पुत्र, महादेव के तो अनेकों दायित्व हैं। उनके भक्त, उनके कर्तव्य, उन सभी को छोड़कर वो यहाँ कैसे आ पाएंगे? हाँ माँ, पिताश्री अवश्य आएंगे। माँ मैं वचन देता हूँ, इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही मैं पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौटाऊंगा। ऐसा प्रथम बार हो रहा है जब उमा ने महादेव के लिए अपने कर्तव्यों को इतनी प्राथमिकता दी। उमा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा, हाँ, ताकि मैं तुमसे आकर भेंट कर सकूं।